नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। नहीं पहनेंगे नए कपड़े, सादगी से मनाएंगे ईद। सरकारी गाइडलाइन पर घरों में पढ़ेंगे ईद उल फित्र की नमाज। अंजुमन नकविया रजिस्टर्ड की दरियाबाद में रौनक। सफीपुरी के आवास पर वर्चुअली मीटिंग के अंजुमन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि इस वर्ष भी कोरोना महामारी के दृष्टिगत घरों में रहकर ही मात्र 5 लोगों की उपस्थिति में ईद की नमाज अदा होगी। रौनक सफीपुरी ने कहा कि हर घर में लोग बीमार हैं, वहीं देश भर में कोरोना ने लाखों के घरों को हमसे छीन लिया है। मौत दर मौत का आंकड़ा लगातार देखने को मिल रहे हैं। हमारे अपने अजीज दोस्त व अहबाब अपने को छोड़ करके बिछड़ने से गमजदा हैं। ऐसे हालात में नए कपड़े बनाना, कफन में लपेटे हमारे अपनों के जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। अंजुमन नकविया के किबला नकवी व शबी हसन ने भी ईद को सादगी से मनाने की अपील की। कहा, घरों में सुरक्षित रहें, हम आइंदा साल जिंदा रहे तो फिर से खुशियां भरी ईद मनाएंगे। अंजुमन के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी ने बताया कि ऑनलाइन मीटिंग में सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि घर पर ही ईद की खरीदारी नहीं करेंगे, घर पर ही रह करके इसको मनाएंगे, बल्कि उन पैसों से गरीब असहाय और ज़रूरतमंदों की मदद की जाएगी। इस वक्त के हालात बहुत भयावह हैं, ऐसे में हमारा फरीजा है कि हम सब लोगों की हर संभव मदद करें। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। कोविड चल रहा है, किस तरह से आप लोग ईद मनाएंगे इस साल? आपकी बात के जवाब में अपने दो शेर से मैं दे रहा हूँ कि कहीं पर खुद रही कब्रें, कहीं जलती चिताएं हैं, हमारे मुल्क की इस वक्त जहरीली हवाएं हैं। और दूसरा शेर के जफा साज हैं जब वतन की फिजाएं, तो किस तरह हम ऐसे में खुशियां मनाएं। अब कोविड के माहौल में हर तरफ हर दो चार घर छोड़ के किसी न किसी के घर पे मिट्टी है, किसी न किसी के घर पे मरीज है। आज ईद के कपड़े तो नहीं बिक रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, मार्केट नहीं खुली है, लेकिन कफन उससे ज़्यादा, कफन बिकने की जो तादाद है उससे ज़्यादा कफन बिक रहे हैं, तो अब ऐसे हालात में कैसे ईद मनाएंगे? हाँ, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज वाजिब है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह का की इबादत करनी है। अल्लाह की इबादत करबला वालों ने भी लाशों के ऊपर बैठ करके भी अपने औलाद की लाशों पर शुक्र का सजदा किया, हम भी शुक्र का सजदा अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसे हालात में अगर तेरी मर्जी है कि हम ईद मनाएं तो हम ऐसे हालात में तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरा शुक्रगुजार हैं। हर हालात में हमें अल्लाह ताला के शुक्र अदा करना है। तो कितने लोगों के साथ नमाज पढ़ेंगे कोविड? जो कोविड नियम है उसका पालन करते हुए 5 लोगों के साथ नमाज पढ़ेंगे, 5 से ज्यादा तो अलाउ ही नहीं है जी। तो 5 हो जाए, 4 हो जाए, किस्तों में पढ़ेंगे। अगर घर में 10 सदस्य हैं तो 5 एक बार पढ़ेंगे, 5 फिर पढ़ेंगे, 5 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। चूंकि इस्लाम कहता है कि जिस मुल्क में रहिए उसके कानून को आप मानिए, तो हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमें हिंदुस्तान के कानून को भी मानना है। मस्जिदों में नमाज नहीं होगी? नहीं, मस्जिदों में नमाज तो सवाल ही नहीं है, होगी भी अगर तो सिर्फ 5 के अलावा छठा नहीं जा पाएगा उसके अंदर। वैसे हमें तो नहीं लगता कि मस्जिद में, क्योंकि 5 को परमिशन देना बड़ा दिक्कत तलब है इमाम के लिए भी, जो इमाम जुमा है या जो भी नमाज पढ़ाते हैं वहाँ के पेश नमाज, कैसे वो 5 को सिलेक्शन करेंगे कि यही 5 आए? घर पे पढ़ेंगे आप लोग? घर में नमाज पढ़ेंगे। अपना परिचय दे दें। सैयद बहार आलम, जिला संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ प्रयागराज। आप लोग ईद मनाएंगे? ईद अंजुमन के जितने मेम्बरान ने यह तय किया है कि अब के हम लोग घरों पर नमाज पढ़ेंगे अपने, उसी तरह से बस इसका वो करेंगे। और जो है कौन सी अंजुमन है आपकी? अंजुमन नकविया। कहाँ की? इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद जी। तो नमाज कहाँ पढ़ेंगे आप लोग? घर पे पढ़ेंगे। कितने लोग? 5 लोग पढ़ेंगे। मस्जिद नमाज नहीं होगी आपकी? मस्जिद में नहीं। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। मंजर नकवी।